हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कहा था भी कंट्रक्शन सीखेंगे, सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे। कंट्रक्शंस मैंने बताया था कि जो अमेरिकन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रक्शन करते हैं, चीज़ों को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जितना इजीली आप लैंग्वेज को बोल सकते हो वो कोशिश करते हैं कि मतलब छोटी मोटी बातों में बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए सामने वाले के पास। यही मैं आपको कहता हूँ, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की बात हो तो ज़्यादा ग्रामेटिकल होने की पहले बात तो ज़रूरत नहीं है आपको। चीज़ों को छोटा करो, जैसा आपसे बोला जा रहा बोलो। जिस चीज़ से आप डरते रहते हो ना हमेशा, अरे यार डूर लगना रह गया, डज लगना रह गया हमारा, डिड लगना रह गया हमारा, सिर्फ गलत हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया, मैंने इस फॉर्म में बना दिया। फॉर्मेशन कुछ नहीं होती, फॉर्मेशन जब लैंग्वेज की बात अगर हम करें। ओके, तो आपने कहा वह जा रहा है, इज नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, ही गोइंग, कैसे बोलेंगे क्वेश्चन में ऐसे कर दो, ही इज़ गोइंग, तो इज़ आगे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। गॉट इट? ये हमने पिछले उसमें लेसन में सीखा हुआ है। लेकिन अब मैं आज बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत कॉन्ट्रेक्शंस की। कॉन्ट्रेक्शंस क्या होते हैं? जब आप कई कई वर्ड्स को मिलाकर एक छोटा रूप दे दो। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में, जो काफ़ी लोग आपको सलाह देते होंगे इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज़ देखा करो, है ना, लेकिन मैं आपको मना कर देता हूँ हमेशा। आप देखो ना, स्टार्टिंग से मैंने मना किया, मैंने कहा था कि जब राइट टाइम आएगा ना इंग्लिश मूवीज़ देखने का, तब मैं बताऊँगा कब देखनी है आपको। क्योंकि वो इसलिए मना करता हूँ कि जो वो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज़ नेटिव इंग्लिश, दैट इज़ नेटिव नेटिव इंग्लिश, मतलब उनकी खुद की मदर टंग है वो। और वो उनका जो नेटिव इंग्लिश जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शंस यूज़ करते हैं। आप कई बार सोचोगे कि ये बोला क्या है, उस वर्ड को ढूंढते रह जाओगे, वर्ड नहीं होता, उन्होंने खुद के अलग से बनाए हुए कॉन्ट्रेक्शंस हैं, वो ढूंढोगे तो वर्ड नहीं मिलेंगे, बस वो बोलने का तरीका है। अब आपके सामने बोल दिया वचा, आप ढूंढते रहोगे वचा क्या है सर, वचा का तो कोई मीनिंग ही नहीं मिला, क्योंकि वचा वर्ड नहीं है, उनका बोलने का तरीका है वचा। गॉट इट? तो इसीलिए मूवीज़ में जो बिगनर होते हैं उनको मना करता हूँ। बिगनर्स को क्या देखना है? निंजा हथौड़ी, छोटा भी है इंग्लिश में। लेकिन कार्टून्स को अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो उससे क्या होता है, क्योंकि कार्टून्स की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी यूट्यूब पर बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे आपको सब टाइटल्स के साथ। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आपके सारे रिपीट हो जाएंगे, और वो कॉन्ट्रेक्शंस यूज़ नहीं करते, वो एक इतनी फर्निश्ड और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। ही आर यू गोइंग, सिंपल जवाब है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे येस आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे करके कार्टून्स होते हैं। हे नोबिता डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, येस आई वेंट, ओके व्हाट डिड मैम टीच, तो इतना क्लियर होता है उसमें कि आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टोरीज को देखा करो, देयर वॉज अ किंग, ऐसे होते ना, वंस ही वेंट टू द जंगल, ही सो अ लायन देयर, क्या होता है, लोयन तो नहीं कहते थे ना, लोयन मत कहना, लोयन कुछ और ही होता है, ढूंढ लेना क्या होता है, बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, इट्स लोयन, लोयन अलग चीज़ होती है, लायन अलग चीज़ होती है, शेर होता है लायन ना कि लोयन, ओके तो हम बात करते हैं कॉन्ट्रक्शन की। तो वचा क्या होता है, वचा, हे वचा डूइंग, व्हाट आर यू का कॉन्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, वचा क्या होता है, ये सिर्फ व्हाट आर यू का नहीं होता, व्हाट हैव यू का भी यही होता है, व्हाट डू यू का भी यही होता है, व्हाट आर यू का भी यही होता है, राइट? अब पता कैसे चलेगा कि भाई व्हाट आर यू डूइंग पूछ रहे हैं, व्हाट हैव यू डन पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू पूछ रहे हैं, बताना सर, मतलब कैसे पता चलेगा, डू यू नो, नहीं एक्सप्रेशन से तो इतना पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन है, है ना, हे व्हाट्स इट डूइंग, हाँ, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस बनाया है उन्होंने, परफेक्ट बनाया है या क्या बनाया है, इंडेफिनेट बनाया है, कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा वर्ब की फॉर्म से, एक्शन की फॉर्म्स से पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला हे व्हाट्स इट डूइंग, क्या लगा है, आई एन जी लगाया ना, व्हाट्स इट डूइंग, यानी सिंपल बात है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या है, फिर से बोलो, फिर से बोलो सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वंस अगेन, सर मैं खुजली कर रही हूँ, हाँ बोलो, खुजली कर रही हूँ बैक में, आई एम स्क्रैचिंग माई बैक, फिर से बोलो, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही सर, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, राइट, आई एम नॉट को बोलो, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, फिर से बोलो, वंस अगेन, आई एम नॉट गलत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में एक अच्छा बोलने का तरीका क्या है, आई एम नॉट, क्या बोलोगे, आम जो मैंगो खाते हो ना वही वाला आम, आई एम नॉट, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही सर, आई एम नॉट, आई एम नहीं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, फिर से बोलो, वंस अगेन, क्या कर रहे हो फिर, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, कॉन्ट्रेक्शन में क्या बोलोगे, व्हाट यू डूइंग, लाउडली व्हाट यू डूइंग, राइट। अब मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो डू यू डू पूछते हैं ना, डू यू डू, मैंने पूछा क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू, अब हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, क्या खेलते हो आप, व्हाट यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले निकल रहा है ना, तो व्हाट डू यू का कॉन्ट्रेक्शन क्या है, व्हाट यू, व्हाट यू प्ले, फिर से बोलो, वंस अगेन, सर मैं पबजी खेलता हूँ, आई प्ले पबजी, सर मैं फ्री फायर खेलता हूँ, आई प्ले फ्री फायर, आप क्या खेलते हो,
वचा व्हाट डू यू प्ले नहीं निकलना चाहिए क्यों से वचा प्ले फिर से बोलो वंस अगेन वचा प्ले वचा स्टडी अब फर्स्ट फॉर्म लगी है ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू प्ले है व्हाट डू यू स्टडी है आईएनजी लग गया तो समझ जाओ कि व्हाट आर यू वाला स्ट्रक्चर अब व्हाट आर यू डूइंग व्हाट यू डूइंग और अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो हैज ए वाला स्ट्रक्चर है सिंपल है ये क्या कर दिया तुमने व्हाट यू डन हे व्हाट यू डन लाउडली व्हाट डन यानी व्हाट हैव यू डन हो गया राइट सो व्हाट डू यू व्हाट आर यू व्हाट हैव यू इन तीनों का कंट्रक्शन क्या हो गया हमारा व्हाट फिर से बोलो फिर से बोलो क्या कर रहे हो क्या बोल रहे हो तुम व्हाट स्पीकिंग वंस अगेन सर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश फिर क्या कर रहे हो कान खुजला रहे हो सर आई एम स्क्रैचिंग माय ईयर फिर से बोलो खुजला लिया पूछें कैसे नहीं आंसर मत दो पूछें कैसे हैव यू स्क्रैच्ड हैव आगे ना आए तो कोई दिक्कत नहीं यू हैव स्क्रैच्ड कैसे बोलेंगे फिर से बोलो एक्सप्रेशन से यू हैव स्क्रैच्ड यस आई हैव स्क्रैच्ड वंस अगेन ये क्या कर दिया तुमने लड़की कैसे बोलेंगे व्हाट हैव यू नहीं व्हाट आर डन फिर से बोलो क्या लिख लिया तुमने ये गलत है व्हाट आर रिटर्न फिर से बोलो वंस अगेन क्या लिखती रहती हो व्हाट आर राइट क्या लिखती हो ना व्हाट आर राइट क्या लिख रही हो देखना सही तो लिख लो व्हाट आर राइटिंग समझ में ना व्हाट आर यू राइटिंग व्हाट आर राइटिंग क्या लिख लिया व्हाट आर रिटर्न क्या लिखते रहते हो या क्या लिखते हो व्हाट आर राइट फिर से बोलो अब समझ में आ गया ऐसे बहुत सारे और भी कॉन्ट्रक्शन होते हैं जैसे कि मैंने बोला है डोंट यू ना डोंट यू जो होता है ना डोंट यू इसको बोलते हैं डोंट यू क्या बोलते हैं जैसे मैंने बोला ना जैसे कि क्या आप जाते हो क्या आप जाते हो क्या आप खेलते हो क्या तुम डांस करते हो गाली देते हो मुझे डिस्टर्ब करते हो क्या मुझे इरिटेट करते हो क्या आप इंग्लिश बोलते हो डू यू से पूछते हैं जब मना करते हैं क्या आप ये काम नहीं करते ऐसे हमने अगर क्वेश्चन पूछा क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश अब डू यू नॉट को हम शॉर्ट में ना डोंट बोल देते हैं पूरा डोंट यू क्या आप खेलते नहीं हो डोंट यू प्ले डू यू नॉट प्ले तो है ही लेकिन इसको इकट्ठा बोलने के लिए एक फ्लो में बोलने के लिए वो क्या कहते हैं नोट को भी साथ में ले जाओ लेकिन रूल हमेशा क्या कहता है कि डू ही आगे आना चाहिए सिर्फ हेल्पिंग और भी आगे आती है लेकिन वो साथ में नोट भी ले जाते हैं उससे एक फ्लो बन जाता है डोंट यू प्ले क्या आप गाली नहीं देते क्या पढ़ते नहीं हो क्या अपनाते नहीं हो डोंट यू टेक अ बाथ डोंट यू बाथ नहीं हो सकता बेटा कभी बाथ एक्शन है ही नहीं बेथ हो गया तो डोंट यू बेथ या फिर टेक अ बाथ डोंट यू टेक अ बाथ फिर से बोलो वंस अगेन डोंट यू टेक डोंट यू स्टडी डोंट यू प्ले डोंट यू कोई डोंट यू को शॉर्ट में कहते हैं अमेरिकन कहते हैं मजा नहीं डोंट यू बोलो डोंट चा फिर से बोलो क्या पढ़ते नहीं हो डोंट यू स्टडी वंस अगेन गाली नहीं देते आप बस गाली नहीं देते आप डोंट यू अब्यूज आपको देनी चाहिए क्या शुड वगैरह जो होता है जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका शुड बन जाता है शुड शुंट अब पूछा तो बता देते हैं शुंट शुंट क्या बोलेंगे शुंट और शुंट कहते हैं अमेरिकन का अभी शुंट में भी थोड़ा बड़ा सा लग रहा है हमें एफर्ट्स लग रहे हैं वो कहते हैं एन के बाद जो टी आ रहा ना वो हम नहीं बोलेंगे वो शुंट का भी क्या बना देते हैं शुन फिर से बोलो आपको नहीं करना चाहिए शुन ड्रिंक फिर से बोलो हम पहले क्या बोलते थे यू शुड नॉट ड्रिंक ये बोलते थे ना पॉजिटिव सेंटेंस तो हमारा सेम रहेगा यू शुड ड्रिंक अगर ऐसे बोला हमने तो लेकिन नेगेटिव अगर मना रहे हैं तो बोलेंगे यू शुन ड्रिंक फिर से बोलो लड़की यू शुन ड्रिंक बोलो लिखना नहीं चाहिए आपको यू शुन राइट फिर से बोलो शुंट कह रहे हो क्या एन के बाद टीवी नहीं बोलते ना तो शुन रहेगा यू शुन राइट कैसे बोलेंगे तुम्हें बोलना चाहिए यू शुड लिखना नहीं चाहिए यू शुन राइट गॉट इट ऐसे करके बोलते हैं ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं जैसे बोला प्रिंटर प्रिनर इंटरनेट 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 राइट वॉन्टेड वॉन्टेड I told you this thing, right? Yes. बताया था नहीं बताया था मैंने Yes. So I have already told you this. Okay. तो don't you? क्या practice नहीं करते घर पे Don't you practice at home? कैसे बोलेंगे Once again. सब practice नहीं करते अब we don't you practice मत कर देना वो don't you का contraction question है बस वो We don't practice. फिर से बोलो क्या आपको पता है Do you know? I know. Do you know? I don't know. I don't know. I don't know.
किसको पता है फिर? दीपक सर को सब पता है. दीपक सर नोज सब. तो लगाओ एवरीथिंग, फिर से बोलो. मुझे सब नहीं पता. आई डोंट नो एवरीथिंग. फिर से बोलो. ऊपर वाले को सब पता है. बट गॉड नोज एवरीथिंग. फिर से बोलो. गॉड नोज एवरीथिंग. आपको नहीं पता? डोंट यू नो? कैसे पूछेंगे? और डोंट यू नो को बोलो. ओह व्हाट अ पिटी. इतनी देर से हम डोंचा कर रहे थे. बोलो डोंचा नो. फिर से बोलो. क्या आप खेलते नहीं हो? क्या आप नहाते नहीं हो? बोला था ना हमने डोंचा टेक अ बाथ, और फिर भी कह रहे पता नहीं क्या. तो कैसे पूछेंगे? क्या आपको पता है? डू यू नो? क्या आपको नहीं पता? डोंट यू नो? फिर से बोलिए. अब इसको ना बिल्कुल भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या चीज़ें तो हम इंग्लिश की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश का भी हिंदीकरण कर देते हैं. हिंदीकरण जैसे होता ना, सामाजिकरण, वैश्वीकरण होता है. नहीं वो करण अर्जुन वाला नहीं. करण अर्जुन वाला नहीं. ठीक है ना? तो वैश्वीकरण करिए होता, चलो आगे. ठीक है, तो ये करण आप क्या करते हो, हिंदीकरण कर देते हो. बोलते ऐसा डोंचा, जैसे पता क्या करे डोंचा, ऐसे लगा सब्जी में डोंगा नहीं होता, डोंगा. थोड़ा फील इंग्लिश वाला भी लेकर आओ. डोंट यू अप्लाई. हे डोंट यू अप्लाई. डोंट यू डांस. डोंट यू अब्यूज. नहाते नहीं हो. डोंट यू टेक अ बाथ. फिर से बोलो. डोंट यू टेक अ बाथ. क्या आपको पता नहीं है? डोंट यू नो. फिर से बोलो वंस अगेन. ओके नहीं पता सर मेरे को. आई डोंट नो. अब आपको ये नहीं बोला, आप बोलना डिनायल. 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 आई डोंट नो का पूरा का कॉन्ट्रैक्शन करके उन्होंने बना दिया डिनायल. डिनायल. और डू यू जो होता है ना शॉर्ट में, डू यू को बोलते हैं ड्यू. ड्यू मतलब डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू नो. ऐसे डू यू नो. डू नो. डू नो. क्या आप खेलते हो? डू प्ले. डांस करते हो? ड्यू डांस. डू यू ऐसे इकट्ठा ना, ड्यू डांस. फिर से बोलो. क्या आपको पता है? ड्यू नो. मेरे को नहीं पता सर. डनो. डनो. सिर्फ डनो से बोलते हैं धनो. भैंस होती है हमारी धनो. हाँ तो ऐसे बोलना है डनो. अब अंग्रेज तो धनो को क्या बोलेंगे? हे इज दिस योर डनो. डनो ऐसे करके बोलेंगे ना. तो डनो. डनो. डोंट नो का ही कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा? डनो. तो मुझे नहीं पता. डनो. आगे से पूछें डोंट यू नो. डोंट यू नो को. डोंट यू नो को. डोंट यू. डोंट यू नो. डनो. फिर से बोलेंगे क्वेश्चन. क्या आपको नहीं पता? डोंट यू नो लाउडली. नहीं पता. डिनायल. डिनायल. राइट. क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? व्हाट आर रिटन. लिखा है पूछा ना. व्हाट हैव यू रिटन हो गया. व्हाट आर रिटन कैसे बोलेंगे? क्या लिख रहे हो, मैंने ये पूछा होता है. व्हाट आर राइटिंग. फिर से बोलो. क्या लिखते हो आप? व्हाट आर राइट. फिर से बोलो. कार है क्या आपके पास? डू यू हैव अ कार. कैसे बोलेंगे? सर कार तो नहीं है. आई डोंट हैव अ कार. फिर से बोलो. नहीं आई डोंट हैव अ कार. कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो. लेकिन सर साइकिल है. चाहिए. इंग्लिश में ही होता है. नहीं नहीं साइकिल इंग्लिश में ही होता है, लेकिन वो दोस्त के. अरे सुन लो, बाइसाइकिल बोलते हैं, बाइसाइकिल नहीं बोलते. फिर इकट्ठा बोलोगे तो बेटा साइकिल बोलोगे, लेकिन वो बी आई लगाने के बाद वो बाई साइकिल नहीं रहा, फिर वो बाइसकल बोला जाता है. बाइसकल. 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 ये बाई का मतलब क्या हो जाता है? जब कोई चीज़ दो होती है, डबल होती है, उसको बाई कहते हैं. तो दो पहिए होते हैं इसलिए बाइसकल बोलते हैं. तो साइकिल को या बाइसकल कहो, उसी की बात चल रही है. गॉट इट? कार की हम बात कर रहे थे ना. तो क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ. किससे बोलो? डू यू हैव अ कार. है सर. यस आई हैव अ कार. तो क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? Can I use your car, please? ठीक है, अगर हम सेम एज में बात करें तो कैन लगा के हम बोल देंगे, लेकिन कैन को है ना आपको अपने किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली बोल रहे हो, अच्छे में बोलना चाहते हो और आपसे बड़ा है, तो आपको कैन की जगह क्या लगा देना चाहिए? कुड. लेकिन आपने कैन वाले में प्लीज़ लगा दिया था, तो कुछ ना कुछ वो मेक का काम कर रहा है, परमिशन मांग रहे हो. जैसे क्लास में आई कम इन मैडम, लेकिन कैन में तो आपकी ताकत हो जाती है. कैन आई कम इन मैडम? का नो यू कैन नॉट कम. ऐसे कैसे ले? आई कैन कम इन. आई कहीं भी आ सकते, कोई रोक नहीं सकता हमें. चचा विधायक अपने. चचा विधायक. हाँ तो ये कुछ लोग होते ना अपने बता दे, को पुलिस वाले रोक ले तो हमें रोक रहा है, जानता कौन हम? यू नो हु आई एम. कौन हूँ मैं पता है? हु एम आई. कौन हूँ मैं? तुझे खुद नहीं पता कौन है? यू डोंट नो हु यू आर. राइट.
मेरे को नहीं पता, नो तुम्हें नहीं पता क्या? डोंट यू नो, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? नहीं पता भाई, पुलिस वाला बोलेगा नहीं पता मेरे को कौन है तू? डोंट यू नो, क्या कह रहा है तू? व्हाट यू सेइंग? व्हाट यू सेइंग? बोलो, है ना चाचा विधायक अपने? तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना, चाचा विधायक है, मेरे पापा है सच्चो है, वो MLA ये है वो है, तो हम किसी ना किसी को क्या करते हैं, ऐसे नाम लेकर अपना खुद का रुतबा ऊपर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुद का रुतबा खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से ही होता है, राइट? ऐसा मत बनो कि आपको किसी का नाम लेना पड़े, अपना ही लेवल वो करो कि आपके नाम से ही दुनिया आपको सलाम ठोके, राइट? तो नाम लेना ऐसे किसी किसी के, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो अपने चचा विधायक बता रहे हो ना जाके हवा बाजी में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेम ड्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। इस नेम ड्रॉपिंग को करना क्या होगा? डू नेम ड्रॉपिंग। क्या आप करते हो ऐसे ही? डू यू डू नेम ड्रॉपिंग? फिर से बोलो। देखो अगर आप डू नहीं लगा पा रहे तो आप नेम ड्रॉप में से ड्रॉप को फ्रैक्शन कर सकते हो। डू यू ड्रॉप नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ऐसे करके बोलेंगे फिर हम, ठीक है? लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका होगा डू नेम ड्रॉपिंग, या फिर ड्रॉप नेम्स को भी इकट्ठा हम बोल सकते हैं। डू यू ड्रॉप नेम्स, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो once again, फिर से बोलो लाउडली। करता हूँ तो यस, आई ड्रॉप नेम्स, मैं नहीं करता, आई डोंट ड्रॉप नेम्स। फिर से बोलो, लेकिन ये करती है, शी ड्रॉप्स नेम्स। फिर से बोलो, राइट? हैव यू गॉट इट? यस और नो? हैज शी गॉट इट? डन नाउ लेट मी आस्क। बोलो डन नाउ लेट मी आस्क। लेट मी का क्या होता है शॉर्ट? लेट मी। सर मुझे नहीं पता, डन नाउ पूछने दो एक बार, let me ask। आगे समझिए, बोलो I don't know, let me ask। contraction क्या होगा? don't know, let me ask। has she written? I don't know, don't know, let me ask। have you written? have you written? yes, she has written। इसने क्या बोला? I have written। Americans क्या कहते हैं जो I have ना, इसको बोल दो, इसको बोलो जो कि हैव आ जाता है ना आपका, उसमें का साउंड देते हैं ऐसे, आफ आफ, बस हैव हो गया। तो बोलेंगे ना मैंने लिख लिया, तो आई हैव रिटर्न, तो बोलेंगे आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न। इसने क्या बोला? मैंने लिख लिया, तो आई हैव रिटर्न बोला था इसने, तो बोलेंगे आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, राइट? तो ऐसे जैसे मे हैव का मे हैव, शुड हैव का शुड हैव, कुड हैव का कुड हैव, अच्छे से करेंगे हम आगे। हाँ, एक फ्लो बनाने के लिए, वो एक फ्लो में निकलता है फिर सेंटेंस में से, ठीक है ना? तो मैंने पूछा क्या आपका कार थी ना, क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़? अब एक चीज़ और बताया था मैंने, क में हल्का सा ख मिक्स करना है, कार का बन गया खा, लास्ट में जो आर आता है उसको हटा दो, कार। अमेरिकन तो आर यूज़ करते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, रोल करते हैं आर, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें आर को नहीं लगाना होता, राइट? तो क में हल्का सा ख मिक्स करेंगे तो कैन, कैन, केक, केक, कूल, 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 इट्स नॉट कूल, इट्स कूल, कूलर, कूलर नहीं, आर भी नहीं बोला जाएगा लास्ट में, कूलर, कूलर, कैट, कैट, वेयर इज द कैट, वेयर इज द कैट, राइट? सर कैट तो गई, शादी हो गई ना कैट की, कैट हैज गॉट मैरिड टू विकी कौशल। फिर से बोलो, कैट हैज गॉट मैरिड टू विकी कौशल। गेट मैरिड के साथ आपको जो शादी होता है ना, इसके साथ टू लगाना होता है, हम अधिकतर लोग विद लगा देते हैं, मेरी उसके साथ शादी हुई है, आई गॉट मैरिड विद हिम या हर नहीं होगा, टू हिम या हर होगा, राइट? तो कैसे कहेंगे भाई, कैट तो गई, कैट हैज गॉन, कहाँ गई कैट? Where has cat gone? Once again. सर बाढ़ में गई, गई गई, तो बाढ़ में जाना होता है, go to hell, gone लगेगा ना बेटा, हो गया ना काम। बोलो, cat has gone to hell. Once again everyone. Once again. She has gone to hell. सर शादी कर ली उसे, बताओ मैं इतने दिन से बैठा था, तो ये कहेंगे ना बेचारा गोपू, उम्मीदें टूट गई सारी, सर उसकी तो शादी हो गई विक्की कौशल से, कैसे बोलेगा? बोलो, she has got married to Vicky Kaushal. इसे बोलो, ओके, तो क में हल्का सा कॉमिक्स होगा तो कैट नहीं रहेगा, कैट, कैटरीना, कैट,
कूल. मैं वैसे बिल्ली वाली कैट की बात कर रहा था, कहाँ पहुँच गए. कैन कैन कूल. ट में हल्का सा ठ मिक्स करना आपको. अब बिल्कुल ठ भी मत बना देना उसका, कभी हिंदी वाला वर्जन बना दो, हिंदीकरण कर दो उसका, राइट. कुछ बोलता है टेक इट, वो टेक इट का टेक इट मत कर देना. टेल मी सर, टेल मी, मुझे बताओ सर, टेल मी. वो टेल मत कर, इट्स टेल, हल्का सा है ना, टेल. ना तो टेल रहे ना टेल बने, वो टेल मी, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेल मी. टीचर, टीचर. टैटू, टैटू, इट्स नॉट टैटू, टैटू बनवा देना, इट्स टैटू. टैटू, टेक इट, टेल मी. टीचर, राइट. क में ख, ट में ठ, प में हल्का सा फ मिक्स कर दो. प में हल्का सा फ, हम बोलते हैं पैरट, इट्स नॉट पैट्स, पैरट, पैरट, पैरट. पुल, पुल, खींचना, पुश, पुश. पिक, पिक, राइट. प में हल्का सा फ मिक्स कर दो. पॉट, पॉट इट, रख दो इसको, पुट इट, पॉट इट, पॉट इट, पॉट इट, राइट. ना कि पुट इट, और फुट इट में कर देना बिल्कुल, पॉट इट, हल्का सा फॉर मिक्स करना है. हैव यू गॉट इट, यस और नो? यस सर. आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, आई हैव नहीं, आई हैव गॉट इट, वो ऐसे बोलेंगे, आई हैव गॉट इट, आई हैव, हवा से निकलेगी, बता, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट. तो मैंने बोला कैन आई यूज योर कार प्लीज, प्लीज लगा दे, ठीक हो, कैन भी चल जाएगा हमारा. कैन आई, कैन आई यूज योर कार प्लीज, हमारा समझ में. कॉमे खो, कैन आई यूज योर कार प्लीज, बोलो. कार नहीं, कार. और जो आर बोलते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं इसमें ना रोल होनी चाहिए टंग, आपकी टंग जो है ऊपर भी कर सकते हो रोल, नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल ऊपर ऊपर रहती है. ओके, कार, फादर, कार. कैन आई यूज योर कार प्लीज, वंस अगेन, कैन आई यूज योर कार प्लीज. लेकिन सेम एज में ठीक है, लेकिन कुड ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर. कैन की जगह हम कुड तब लगाते हैं, यूज़ ये प्रेजेंट में ही हो रहा है. कैन का एक पास्ट भी होता है कुड हमारा, कैन का पास्ट भी होता है कुड, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम. प्रेजेंट में कुड को कैसे यूज़ करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइटली बोल रहे हैं, अपने से बड़े से बोल रहे हैं, राइट. तो हमें कुड लगा देना चाहिए. कुड आई हैव योर कार प्लीज, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, कुड आई हैव योर कार प्लीज. अमेरिकन कैसे बोलेंगे, कॉट. कॉम कुड का क्या हो गया, कॉट. आई हैव का हैव, could I have, बोलो, could I have, could I have, I have का, I have, could I have, your car, your car, your का, your car, your, right, could I have your car, please, once again, could I have your car, please, once again, could I have your car, please, once again, could I have your car, please, car, ऐसे करेंगे ना, once again, could I have your car, please. हाँ, तो आ रहा मजा कुछ अमेरिकन इंग्लिश में. तो हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई चीज़ है ना, तो हम क्या पूछते हैं, डू यू हैव, क्या बोलते हैं, डू हैव. जैसे मैंने पूछा पेन है आपके पास भाई साहब, डू हैव अ पेन, कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ पेन. और डू यू का क्या बोलेंगे, डू, डू हैव अ पेन, डू हैव अ पेन, डू हैव अ पेन, राइट. पेन है तो यस, आई हैव, आई हैव अ पेन, कैसे बोलेंगे, फॉर मी, फॉर, आई हैव अ पेन. पैरट, 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 राइट. पेन, पेन, डू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन. तो है सर, यस, आई हैव अ पेन, कैसे बोलेंगे सर, एक बार चेक करने दो, लेट मी चेक, और शॉर्ट में लेट मी चेक, कैसे बोलेंगे, लेट मी चेक, बोलो, हल्का सा छ, चेक, चेक, चेक इट आउट, चेक इट आउट नहीं, चेक इट आउट. सो एक बार चेक करने दो सर मुझे, लेट मी चेक, कैसे बोलो. ऐसे पड़ोस में जाते हैं कई बार वो लेने बिजली का काम करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, क्या होता है वो दूसरा उसका भाई, प्लास, मुझे पता था प्लास निकलेगा, तभी मैंने बोला था अपने मुंह से, दैट इज प्लायर्स, क्या होता है, प्लास नहीं होता, दैट इज प्लायर्स, वंस अगेन, प्लायर्स. तो पड़ोसी के पास जाके बोले, भाई साहब शर्मा जी, प्लास है क्या आपके पास, नहीं है, पूछ रहे हैं पहले, डू यू हैव अ प्लायर्स, कैसे बोलेंगे, लाउडली, Do you have a pliers? Do you have? Is it correct? No. Do you have pliers? Is it correct? Pliers, is it correct? No. No, it's not correct. Not okay. मेरे हाथ में मेरे पास अभी क्या है, मेरे हाथ में प्लास है.
मेरे हाथ में प्लायर्स है, क्या है मेरे हाथ में प्लायर्स है, तो मैंने कहा कि यह है एक प्लायर्स है, कैसे बोलूँगा दिस इज अ प्लायर्स, ऐसे बोलेंगे? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? यस वेरी गुड। देखो बेटा कुछ चीज़ें हम बचपन से एक मान के चल रहे हैं उनको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप क्या मानते चल रहे हो आज तक, एक वो एक्चुअली एक है नहीं, दिख एक नहीं है लेकिन वो है दो। तो जो पैर वाली चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे कि आप क्या, तो मेरी पैंट कहाँ है, क्या बोलते हो ऐसे पूछो ना, वेयर इज माई पैंट, ऐसे बोलते हो ना घर पे? नहीं सर ऐसे बोलते, पैंट कहाँ मेरी, पैंट कहाँ मेरी, ऐसे बोलते हो ना पैंट कहाँ मेरी, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, वेयर इज माई पैंट, एक गलत सेंटेंस है, पूछो वाई, क्योंकि पैर वाली चीज़ है। तो ये एक पैंट तो इतनी है, अगर कोई बोलो ना कि पैंट दे दो मुझे, आदि फाड़ के ले भाई, पैंट मांग, पैंट पैंट मांगी थी ना, पैंट ही दी है तो आपको देना पैंट्स, दो क्या होती हैं पैंट्स होती हैं, तो पैंट गलत होता है, पैंट्स होता है सही, और दो हैं तो इज नहीं रहा, अब क्या हो गया आर, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वो भी क्या रहेंगी हमारी प्लूरल के हिसाब से ही लगेंगी, वेयर आर माई पैंट्स, चाहे एक पैंट पूछ रहे हो अपनी, मतलब एक पूरा सेट, तो क्या बोलना आगे से, वेयर आर माई पैंट्स, फिर से बोलो, एक पैंट को दिखा के मत बोलना दिस इज माई पैंट, नो दे आर माई पैंट्स, क्या बोलोगे आगे से, आदत बैटर के भाई दिस इज माई पैंट कहने की, दोनों को देखना अलग अलग है ना टांगे, तो बोलोगे दे आर माई पैंट्स, फिर से बोलो, ऐसे बहुत सारे और भी हमारे ऐसे प्लायर्स भी क्या होता है, उसमें भी पेयर होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, कैंची सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, तो सीजर कहाँ अगर आप मांग रहे हो तो गलत है, वेयर इज सीजर नहीं, वेयर आर सीजर्स, पैंट्स होगा बाइनोक्यूलर्स होगा, दूरबीन जो होती है हमारी डबल वाली होती है, स्पेक्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मे को बोलते हैं गोगल्स कहते हो, गोगल तो नहीं कहते ना, ग्लासेस कहते हैं, तो ग्लास तो नहीं कहते चश्मे को, नोट करने सब में ऐसे ऐसे आपको लगा मिलेगा, ये सारे प्लूरल होते हैं, जो आपका हेडफोन होता है वो हेडफोन नहीं होता कभी भी, हेडफोन्स होता है, करेक्ट, ये मत पूछना वेयर इज माई हेडफोन, गलत है, वेयर आर माई हेडफोन्स, कैसे बोलेंगे, वेयर आर माई हेडफोन्स, आ रहा समझ में, ऐसे लीड जो लगाते हो हैंड फ्री नहीं होती, हैंड्स फ्री होती है वो, ओके हैंड्स फ्री, वंस अगेन, वंस अगेन, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी प्लूरल है, तो वेयर इज माई पैंट गलत है, वेयर आर माई पैंट्स करेक्ट है, छत पंखा तो फैन है, अच्छा इसके इसके बेटा पार्ट निकले हुए हैं, पार्ट निकले हुए से मतलब पैर वाली चीज़ नहीं है, ये पैर नहीं है इसमें, सुनो मेरी बात, ये तो सिंपल ही है, वेयर इज ही फैन रहेगा, ठीक है ना, वेयर इज द फैन, फैन इज ऑन द, कहाँ है, रूफ पर है ना, रूफ पर नहीं है, सीलिंग पर है, मुझे पता था रूफ का हो गया, छत जो होती है ऊपर वाली छत को रूफ का कहते हैं, मतलब यहाँ पर फैन नहीं है, आपने धूप में रख दिया सूखने के लिए, तो मेरे पंखा कहाँ गया सर, फैन इज ऑन द रूफ, और जो अंदर है तो फैन इज ऑन द सीलिंग, क्या बोलेंगे, अंतर आया समझ में, दोनों कंडीशन में हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, छत पर है, लेकिन छत के ऊपर है, धूप में रखा ऊपर, तो ऑन द रूफ, और इस पर है तो ऑन द सीलिंग, तो बेटा फैन पैर नहीं है इसमें कहीं भी, वो तो उसका पार्ट निकले हुए हैं, राइट, वो तो अलग से दिख जाएगा कि अलग पेयर हैं, डबल वाले हैं चीज़ें, तो डू यू हैव, आ प्लायर्स गलत हो गया, डू यू हैव प्लायर्स, अब ठीक है, ए तो क्या होता है, एक को इंडिकेट करता है ना, जैसे क्या आपके पास एक पेन है भाई साहब, डू यू हैव अ पेन, ऐसे ही प्लायर्स है आपके पास, डू यू हैव प्लायर्स, फिर से बोलो, मेरी पैंट कहाँ है, क्या बोला, इज निकला था मुझसे, बोलो वेयर आर माई, मेरे चश्मे कहाँ पर हैं, वेयर आर माई गोगल्स, फिर से बोलो, वेयर इज माई गोगल, नहीं होगा आगे से ध्यान रखना, तो ये रहे आपके गोगल्स, सो ये क्या आपके गोगल्स हैं, नहीं दे आर योर, दिस इज तो नहीं बोलोगे, बोला सर आपका हेडफोन, दैट इज योर हेडफोन, दैट इज, दैट इज, दे आर, फिर से बोलो, दे आर योर हेडफोन्स, फिर से बोलो, आ रहा समझ में, आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे, क्लास अच्छी लगी है, स्ट्रक्चर समझ में आए बेटा, लेकिन को प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपके बिहेवियर में नहीं आएंगे, राइट, आप लोगों ने देखा कि कैसे हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन करके या फिर ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बारे में ना सोचकर भी इंग्लिश बोल सकते हैं, आप सिर्फ बोलना शुरू करें, क्योंकि बोलने के लिए बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बोलने के लिए क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स अ लाउडली, तो आपको सिर्फ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, वंस अगेन, हिंदी भी हमने ये नहीं देखा था कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया था, राइट, तो एक एक सेंटेंस को बार बार बोल बोल कर बोल बोल कर प्रैक्टिस करते रहो, लिसनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना आपको बोलना है, ऐसे ही आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, राइट, हिंदी भी ऐसे सीखी थी, आस पड़ोस से सुना और उसको आपने क्या किया, बोला,
अगर आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आप चाहते कि आपको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक एक सेंटेंस एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कराए, तो हम यहाँ पर हैं आपके लिए। इफ़ यू फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस अलोन, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट ऑफ इट। मेरा कर्तव्य था आपको पढ़ाना और मैंने वो पढ़ा दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की ड्यूटी है गुरु को गुरु दक्षिणा देना। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप चाहते हो हमारे कोर्स से ज्वाइन करना तो कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100 प्लस वीडियो सेशंस, 50 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।